we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6. Any common sense person? संसद में दो दिनों तक महंगाई पर चर्चा हुई और इस दौरान सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सरकार ने महंगाई रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर अपनी पीठ थपथपाई तो विपक्ष ने सरकार को आसमान छूती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन महंगाई को लेकर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकता। दरअसल देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर रिटेल महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इनमें सबसे ऊपर गैर भाजपा शासित तेलंगाना है, जहां पर जून में रिटेल महंगाई दर 10.05% के साथ देश भर में सबसे ज्यादा थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 8.63%, महाराष्ट्र में 7.97%, हरियाणा में 8.08%, राजस्थान में 7.79%, मध्य प्रदेश में 7.77%, गुजरात में 7.50% और पश्चिम बंगाल में जून की रिटेल महंगाई दर 7.34% रही, जबकि जून में देश की खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। यानी इन राज्यों में खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है जबकि देश की रिटेल महंगाई दर घट रही है। सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के संकट के बावजूद महंगाई दर को 7% के करीब रखना अपनी उपलब्धि गिना रही है। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, इंडिया रशिया यूक्रेन सप्लाई चेन, इवन टुडे लार्जेस्ट सप्लाई कंपोनेंट सप्लायर्स अराउंड इन चाइना स्टिल अंडर लॉकडाउन इन सेवरल एरियाज। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव हेल्ड द इन्फ्लेशन वेल विद इन 7 और इवन बिलो, एंड दैट हैज गॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जानकारों के मुताबिक राज्यों में खाद्य वस्तुओं की अलग अलग कीमतों की वजह से उनकी महंगाई दर अलग अलग होती है। राज्यों की महंगाई दर खाने पीने के सामानों की कीमतों के साथ ही उन राज्यों में लगने वाले वैट से भी तय होती है। जिन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम लग रहा है, वहाँ पर ज्यादा वैट लगाने वाले राज्यों के मुकाबले कम महंगाई दर होने का अनुमान है। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने उत्पाद शुल्क तो कम कर दिया, लेकिन कई राज्यों ने अपना वैट कम नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड कस्टम्स ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 35.75, आदिर जी सुनिए, 35.75% टू फर्स्ट 8.25 एंड नाउ to 5.5% only, so drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible prices, oil prices can come down. हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर खुदरा महंगाई दर जून में देश की 7.01% की रिटेल महंगाई दर से कम रही है। देश में सबसे कम महंगाई दर जून में बिहार में 4.68% रही, दिल्ली की महंगाई दर 5.06%, तमिलनाडु में 5.08%, उत्तर प्रदेश में 6.85%, पंजाब में जून में रिटेल महंगाई दर 6.30% रही। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा 6% तय की है, लेकिन बीते 6 महीनों से देश की खुदरा महंगाई दर 6% से ज्यादा रही है।